होना स्वस्थ होना आदमी का व्यक्तिगत होता है, इसको लेकर कोई पॉलिटिकल इशू बनाया जाए यह मुनासिब नहीं। अब एक बार फिर से बिहार में क्राइम ग्राफ बढ़ गया है, कैसे देख रहे हो? अब रोज रोज एक ही बात पर क्या टिप्पणी करने के लिए बोलते? इस तरह का सवाल और इसका कुछ भी उत्तर दिया जाए तो मैं समझता हूँ समाज में तनाव पैदा काम कर होगा, इसलिए इस तरह के सवालों पर चर्चा इस रूप में नहीं की जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि समाज तनाव मुक्त हो, सब लोग सद्भाव से रहें, सौहार्दपूर्ण वातावरण हो। हाँ, सब लोगों की समस्या है, अगर कोई इशू है तो उस पर मिल बैठकर विचार जरूर होना चाहिए, यह मेरी पार्टी की राय। गरीब लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, हमने कहा कि ऐसी कोई समस्या है उस पर जरूर विचार विमर्श होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी बयानबाजी जिसके चलते समाज में तनाव पैदा हो यह ठीक नहीं। रामविलास पासवान ने कहा कि 15% मिलना चाहिए और जो नेता दलितों की राजनीति करते हैं, एसटी की राजनीति करते हैं, वो चुप क्यों है? अब उन्होंने क्या कहा इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। कल महागठबंधन अब विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष के लोग आखिर कुछ तो करेंगे, कोई मुद्दा उनको नहीं मिल रहा है तो खामखा मुद्दा ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, आपको नहीं लग रहा है कि पेट्रोल डीजल और गैस की जो दाम है प्रतिदिन बढ़ रहे हैं? हाँ, चिंता का विषय निश्चित रूप से है और इस पर गौर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दाम बढ़ रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, उससे महंगाई जो साधारण चीज़ें हैं उसका दाम भी बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगी, तो इस पर जरूर गौर किया जाएगा। आपके सरकार पर आगे आने पर असर पड़ेगा इस महंगाई का? नहीं, उसमें अभी आज का आज कुछ होता है उसका असर ऐसा नहीं कि उसका आकलन उस रूप में किया जाए, लेकिन निश्चित रूप से एक विषय है जिस पर गौर किया जाना चाहिए और दाम बढ़ना ठीक नहीं। आप प्रधानमंत्री से इस बात को बोलेंगे? हाँ, निश्चित रूप से जहाँ आवश्यकता होगी हम चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से चर्चा करेंगे।